नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एमल राजपूत और आज मैं आपके सामने कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसे कि बहुत से लड़के लोगों ने मुझे सवाल किया था कि भाई आप सिप्पे लगाते हैं क्या, और क्या सिप्पे हमें आसानी से जॉब मिलता है क्या मर्चेंट नेवी में। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों ने शब्द सुना ही होगा कि एजेंट लोग जो फ्रेशर होते हैं शिप में लगने के लिए बहुत सारा पैसा है, पैसे की डिमांड करते हैं और पैसा मांगते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम भी नहीं करते, आपने पैसा दिया और काम भी नहीं करते और आपसे बहुत सारा पैसा वसूला जाता है। ये एक गोरख धंधा है जो शिपिंग लाइन में चल रहा है, लेकिन आप बिना पैसे दिए भी, आपके पास थोड़ा पैसन है तो बिना पैसे दिए भी आप सिप्पे मर्चेंट पे लग सकते हैं। मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जिसको आप थोड़ा फॉलो कीजिए और आप थोड़ा पेशन रखिए। अगर पेशन रखेंगे तो आपको जरूर जॉब मिलेगा। आप फिर उठावले होंगे कि भाई चलो भाई एजेंट को पैसा ही देना है, तो फिर आपको ये तरीके काम नहीं आएंगे। पहला तो अगर जब अगर आपको मिलना है, लेना है, तो क्या तरीका है कि भाई ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं से उनको प्लेसमेंट मिल जाता है। जैसे कि मुसी का ही ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें ही बड़ी कंपनियां आती है और उसमें से ही जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल जाता है बड़ी कंपनियों में। तो ऐसे आपको एक ये है एक तरीका जॉब पाने का। दूसरा और एक तरीका है, आप में कुछ नया होना चाहिए कि भाई 10वीं पास 12वीं पास ये तो कॉमन हो गया है, उसके आधार पे आपने जो CDC निकाला हुआ है, अभी तो नया CDC जो STCW के 4-5 कोर्स के आधार पे निकल रहा है, लेकिन आप में कुछ खास होना चाहिए। इसको बोलते हैं कि स्किल डेवलपमेंट। आप में क्या ऐसा खास है भाई, 10th 12th के अलावा आपके पास ITI डिप्लोमा, और अगर आप कुकरी का कोर्स किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट वगैरह किया हुआ है, वेल्डिंग फिटर लेट वगैरह का अगर आपने एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये कोर्स करने के बाद आप कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, इंग्लिश, आपका इंग्लिश पावरफुल होना चाहिए। अभी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट वगैरह जो लिया जाता है वो कहाँ पे होता है, कंप्यूटर पे होता है टेस्ट वगैरह, तो वो कंप्यूटर पे भी आप कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको जबरदस्त होना चाहिए ताकि आप फेल ना हो। बुक का नॉलेज, टेक्नोलॉजी का नॉलेज, और आपके पास एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट, ये सब मिला के जो मिक्सर होता है वो उससे आपको फ्रेशर को अच्छे से अच्छा जॉब मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव जो कंपनी में काम करता है, सिपी कंपनी में काम करता है, तो उसके रेफरेंस के बेस पे अगर वो आपको रिफर करता है कि भाई ये है मेरा चाचा का लड़का, मेरे मामा का लड़का वो है, तो उनकी सर्विस के बेस पे आपको जॉब मिल सकता है शिपिंग लाइन में। प्लस अगर वो भी रिफर नहीं करते तो आपके फादर अगर शिप पे है तो उन्होंने काम किया हुआ है तो भी आपको आसानी से थोड़े वक्त में आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन उठावलापन नहीं होना चाहिए कि भाई चलो भाई 6 महीने में जॉब मिल जाए, 1 साल में, और सकते हैं 1.5 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए। जॉब की वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशन रखना पड़ेगा। तो अगर ये आपके पास स्किल्स है तो आपको जरूर जॉब मिलेगा। और एक तरीका है कि भाई आप मुसी के नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया के मेंबर्स बने और उसके साथ बने रहिए। जरूरी नहीं है कि नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया सब लोगों को जॉब दे पाए, लेकिन जो लोग नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया की सभी एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, उसकी ब्रांच ऑफिस में आते हैं, उनके ब्रांच ऑफिस को अटेंड करते हैं, उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हेड ऑफिस पे जितनी भी मीटिंग्स होती है, एक्टिविटीज होती है, उनमें पार्टिसिपेट करते। ऐसा नहीं है कि भाई हम सीमेंट नहीं है, हम फ्रेशर है तो हम नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप फ्रेशर होके भी मेंबर आप बन जाते हैं, लेकिन आप किसी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होते वगैरह,
तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम होते हैं। नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया भी जॉब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन लोगों को जो नुसिक के लिए कुछ खास करते हैं, जो जो एक्टिविटीज में शामिल होता है, तो उन लोगों को फ्रेशर को जॉब मिलाने दिलाने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताया, इससे आप आसानी से बिना एजेंट को पैसे दिए आप जॉब दे सकते हैं। और एक तरीका है जो मैं अगर कहूँ तो, कि भाई रिसर्च कीजिए, कौन सी बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको आपका बायोडाटा देख के आप उसमें अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई घर पे बैठे रहिए और एजेंटों को भाई पैसा, ये भाई एजेंट काम कर रहे हैं तो भाई मैं सो रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप रिसर्च कीजिए कंपनी को, सब कंपनी में अप्लाई कीजिए, अपना बायोडाटा, बायोडाटा बेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10th और 12th उसमें भी होना चाहिए, तो आपको आसानी से कंपनी में जॉब मिल सकता है। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो इसके बारे में कि हाउ टू गेट जॉब इन द मर्चेंट नेवी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नुसी के साथ हमेशा बने रहिए। मैं हमेशा मेरे वीडियो में एक बात बोलता हूँ, नुसी के साथ हमेशा बने रहिए। जिस जो भी नुसी के साथ हमेशा बना रहता है उसका हमेशा ही भला होता है, उसका फायदा होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्त।